पहला पीस दिखाया है इन्होंने और रू राजी करने वाला पीस है यही वाला। माशाल्लाह ये बेसिकली वर्किंग में थे। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पिजन्स गैलरी। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त भाई खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। लें जी, बड़े ही नायाब कबूतरों के साथ आए हैं। काफ़ी अरसे से रहमान भाई की वीडियो तो नहीं आ रही थी, बड़े अरसे से रहमान भाई स्क्रीन से गायब हुए हुए थे और एक बड़े तवील अरसे के बाद जो उनसे हैं वो आए हैं और बड़े ही ज़ोरों शोर के साथ और अच्छे कबूतरों के साथ। चेक करें जरा माशाल्लाह कैसा कैसा नायाब कबूतर है इसके अंदर। तो ये आज दोस्तों आपको कसूरी का मकर कबूतरों का शो करवाएंगे रहमान भाई के। रहमान भाई की तरफ हम मौजूद हैं तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और जो दोस्त भाई चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। तो आपको करवाते हैं जी रहमान भाई के कसूरी का मकर कबूतरों का शो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम और दोस्तों को सबको एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें ताकि आने वाली वीडियो जो है ना वो आप तक आती रहें। ठीक है, आज ये सारे आपने कसूरी छोड़ दी हैं यहाँ पर, हैवी किस्म का आपका मेरे ख्याल से प्लान था। हैं बस बड़े माशाल्लाह अच्छे कबूतरों के साथ। हाँ जी इंशाल्लाह कम बैक किया आपने, स्टार्ट लिया इंशाल्लाह, कम बैक जो है ना इस दफा पूरा बूम होगा माशाल्लाह जी। लें दोस्तों चेक करें जी, माशाल्लाह बड़ा बड़ा यूनिक पीस इसके अंदर जो सा मौजूद है और माशाल्लाह माशाल्लाह कमाल कर दी है। ये देखें सारे कसूरी का मगर लाल आंखों वाले बड़े बड़े शानदार। ये देखें ये कबूतर आया माशाल्लाह, ये चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा बड़ा लाजवाब पीस है यार। ये देखें कैसा खूबसूरत कांटों वाला मेल है। अभी आपको अब ये मेरे ख्याल से सारे तो नहीं हम पकड़ के दिखा पाएंगे क्योंकि कबूतर बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर, तो बस जितने भी चंद एक कबूतरों का आपको शो करवा सकते हुए वो करवाएंगे आपको। और बाकी दोस्त भाई वीडियो पूरी देखें काइंडली क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त भाई ना शुरू की वीडियो देखते हैं, प्ले करते हैं, वीडियो को बंद करते हैं और पता नहीं मुझे तो नहीं समझ आती किस किस को फ़ोन कर देते हैं। वो फिर मेरा नंबर मांग रहे होते हैं, जिस भाई की वीडियो बनती है उसका नंबर मांग रहे होते हैं। हालाँकि जो भी वीडियो बनती है उसी वीडियो के ऊपर नंबर मैं चला देता हूँ, नंबर मैं लिख देता हूँ और काफ़ी देर तक वो नंबर डिस्प्ले में रहता है। तो काइंडली यार रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो देख लिया करें क्योंकि वीडियो के अंदर ना हमारी जो वीडियोस होती हैं ना वो हमें फजूल नहीं होती, उसके अंदर पूरी डिटेल्स होती हैं, हर चीज़ बताई होती है। जो वर्किंग कर रहे होते हैं वो भी बताते हैं, जो इसकी बैक पे होता है वो भी बताते हैं, आगे से जो इन फ्यूचर के प्लान होता है इन कबूतरों का वो भी बता देते हैं। तो बड़ी तफसीलन वीडियो होती है, किसी भी पार्ट में आप बोर नहीं होंगे। तो आपको शो करवाते हैं रहमान भाई, इनका जो जद्दे अमजद है जी जी वो तो इनमें नहीं होगा डेफिनेटली क्योंकि ये घर के सारे पठियाँ पट्ठे लग रहे हैं मुझे। अब इनमें अब आपको पता है लास्ट टाइम आपने मेरी वीडियो बनाई थी 6 के 7 पेयर जो थे ना उसमें हमने दिखाए थे कसूरी। अच्छा, तो उन कसूरी पेयर के ये सब पठे पठियाँ और वो कसूरी पठे पठियाँ जो थे वो मोस्टली जो है ना वो 200 को मैंने बुक करके तो फिर बचे दी हैं। अच्छा अच्छा, तो ये लास्ट टाइम जो 2 क्लच थे वो मैंने रोक ली है। ठीक है ठीक है, तो मौसम भी कुछ आपको पता वो क्रीज होता है फिर बार जो है ना वो अपना ना लोग पसंद आते हुए भी नहीं आता, ऐसे ही वो बड़ा चूड़ा सा हो जाता है, चूड़ा सा हो जाता है। तो लिहाजा अब जैसे ही ये इन्होंने साफ किया तो डिस्प्ले में आ गया बर्ड। लास्ट ईयर भी इन्हीं डेज में हमने एक वीडियो लगाई थी जी जी, तो माशाल्लाह वो एक ही भाई ने सारे परचेज किए थे। अच्छा अच्छा, हाँ 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 बिल्कुल 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 ऐसे ही वो थे 10-12 पीस, ये माशाल्लाह थोड़े ज्यादा है क्योंकि पेड़ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बाकी इनमें से दिखा देते हैं जो भाई को पसंद आएंगे जिस तरह आएंगे। अब ये तो आपको ही पता है कि कौन सा रिंग नंबर है, कौन सा ब्लड है, जरा डिटेल से शो करवाए हमें और हमारे देखने वालों को मजा आए जरा। नहीं करीम भाई ये शो करवाए, नहीं भाई इन सब कबूतरों के पीछे ना डब वाले प्योर कबूतर है इन कबूतरों के पीछे। हाँ जी, तो मैंने ये वर्किंग में थोड़े बर्ड उठाए थे एक जगह से, तो उन सब बर्ड में ये था कि वो देखने में कसूरी थे और उनके जो माँ बाप थे ना उन सब में डब वाला ओरिजिनल पर चला हुआ था एक एक। अच्छा ठीक है, लिहाजा वो आगे अपने ना बच्चों में आगे डिलीवर कर रहे हैं ये चीज़ें।
सही सही सही। मैं आगे देख रहा था, इनमें डब वाले पीस नजर आ रहे थे मुझे, सारी कलर तो इसलिए हाँ नहीं ये पीस भी देखे ना, ये जैसे वो दूसरे नंबर पे पट्टी बैठी है, ये वाली पट्टी देख तो ये भी मुझे डब वाली लग रही है। उसके अलावा यहाँ पे कांटों वाले पीस हैं जो डब वाले लग रहे हैं, इसके अंदर काफी पीस है। अभी देखे ना पूरी छाप आ गई है इसके ऊपर माशाल्लाह। अभी ये नौ पर पे है, ये नौवा पर निकाल रहे हैं, दसवां पर अभी फेंकना, नौ पर पे आ गया ये माशाल्लाह। ठीक है, कुंदा देखे बिल्कुल सिमटे हुए चपटे कुंदे हैं, बारीक तिलियों के भरे हुए कबूतर हैं भाई जान। कोई भी परिंदा ऐसा नहीं होगा जो आउट ऑफ बैलेंस हो। माशाल्लाह यार, पहला पीस दिखाया है इन्होंने और रूह राजी करने वाला पीस है यही वाला, यकीन करें कि रूह राजी हो जाती है ये देख के। ये देखें चेक करें इसके पाँव में ना 34 नंबर रिंग है, इसके काफ़ी बहन भाई हैं इसमें। अच्छा हाँ, तकरीबन 4 से 5 पीस होंगे इसी के। एक ये देखना, ये पट्टी आ गया, ये इसकी बहन है, एक वो पट्टा इसके पीछे भी गया। 34 नंबर, हाँ 34 नंबर। ये पकड़े ज़रा पट्टी सामने वाली लें दोस्तों, ये उसकी बहन है 34 नंबर की, इसको भी 34 नंबर रिंग डला हुआ है। हाँ जी, शौक करें वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, सबकी आंखों के नूर देख लें, बेस देख लें, सबकी नीली बेस है ठीक है, आँख का जूम देख लें कि वो किस तरीके से अपना ना जूम करते हैं, यही उड़ाने वाले परिंदे की पहचान। नहीं करीम भाई, ये 7 पर की पट्टी है, 8 पर की, 8 पर की, जबरदस्त ठीक है। छप्पन तेल बैलेंस हर तरफ से पूरे होंगे करीम भाई, छोड़ें जरा इसको पट्टे पे, कांटे देख लें, कांटे पर मशहूर हो गए हैं। लें दोस्तों शौक करें एक और पीस का, कसूरी का मगर, इसे करीम भाई 20 नंबर रिंग है ठीक है, इसकी भी आंख देख लें ठीक है, आंख की पुख्तापन देख लें, हर तरफ से देख लें, जूम देख लें, ये कुंदे का शौक करवाएं, लें ये कुंदा दसवां पर आ रहा है, ये देखें ठीक है, छपे कुंदे, ये नहीं कि कुंदों पर गोश्त है या जिसम पे कुंदे गोश्त है ठीक है, नीचे हड्डियाँ पूरी हैं। अक्सर दोस्त कहते हैं कि अब हड्डी का वो शौक नहीं करवाते, हड्डी का शौक क्या करवाना है, जो हमारे कबूतर हर तरफ से पूरे पूरे होते हैं, इस वजह से हड्डी का शौक क्या करवाना है, और जिसकी कम होती है या छोटी होती है ना हड्डी, उसका बता देते हैं। एक और मुझे 20 नंबर का पीस नज़र आ रहा है, ये देखो ये भी 20 नंबर है, ये भी रिंग नज़र आया मुझे 20 नंबर, और ये फीमेल हमने दिखाई है पहले, ये फीमेल मैंने सबसे पहले दिखाई है, ये दिखाई है या वो दिखाई है, नहीं मेरे ख्याल से यही वाली दिखाई है। देखे ना यार कैसी शानदार फीमेल है माशाल्लाह, ये देखें पूरा हार आ गया इसके गले में, और डब वाली फीमेल माशाल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये भी 20 नंबर टैग का, क्या बात है क्या बात है माशाल्लाह। ये बेसिकली वर्किंग में थे, एक ही पेड़ ने दो तीन कलर में, दो तीन कलर स्कीमों में आंखें डिलीवर की हैं। क्या को पता है मेरा ज़्यादा शौक है वर्किंग वाले बर्ड्स पे, देखे ना कुंदा देख लें, चमक देखे, कुंदा देख लें, लास्ट पर आ रहा है, दसवां पर निकाल रहे हैं ठीक है, बगैर किसी सुर्खी पाउडर से दिखा रहे हैं, कोई बनावट नहीं दे रहे परिंदों का, बहुत आला। ये पट्टा, ये पट्टा कहीं भाई ले माशाल्लाह, क्या बात है यार, दिखाएं जरा मुझे, लें दोस्तों ये चेक करें जी माशाल्लाह, पट्टा बहुत ही आला यार। लें दोस्तों मेल चेक करें माशाल्लाह, ये कितने नंबर है रहमान भी, ये करीम भाई 45 नंबर, येलो कलर का 45 नंबर, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है, ये तकरीबन 3 से 4 पीस हैं, क्या हुसन है इसका यार, चेक करवाएं जरा इसकी आंख, वाह क्या बात है,
लें जी, आज जरूर राजी हो जाएगी। जो हमारे दोस्त भाई लाल आंखों के शौकीन है ना, उनकी तबीयत फ्रेश हो जाएगी जब वीडियो देखेंगे। जब वीडियो देखेंगे ना तबीयत फ्रेश हो जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। ये कुंडा है इसका, सलारा पूरा सलारा, क्या बात है। ठीक है, ये तो सब आ रहा है इसका, माशाल्लाह हर तरफ से बैलेंस में होता है, हर तरफ से हर चीज़ की गारंटी होगी इंशाल्लाह। ये 45 नंबर है जी, 45 टैग है इसके। एक रिम भाई ये खड़ा है, ठीक है। एक बेबी पिजन वो नीचे है, वो कॉर्नर में। हाँ जी, वो कॉर्नर में। इसको बच्चे बता रहे हैं, जरा बच्चा बच्चे कैसे होते हैं। ये देखें दोस्तों, ये आपको मेल का शो करवाया है अभी, चेक करें जरा। माशाल्लाह, लें जी इसका भाई चेक करें छोटा, क्या बात है। माशाल्लाह, ये भी 5 पर का। माशाल्लाह, ये 5वां बड़ा आ रहा है, 6वां निकला हुआ, 6वां फेंक दिया ना। माशाल्लाह बेहतरीन है यार, माशाल्लाह मज़ा आ रहा है आज शो करने का। काफ़ी अरसे बाद, मैं भी काफ़ी अरसे बाद आया हूँ, लेकिन आज मज़ा आ रहा है शो करने का। ये कितने नंबर है जी भाई? ये बड़ा 80 नंबर है। ये बड़ा है आपका? ये 80 नंबर जो बड़ा पेड़ है ना, उसका पठा बढ़िया, उसका डायरेक्ट है, यूज किया मैंने, उसका डायरेक्ट है ये। हाँ ये डायरेक्ट है। ठीक है, इसका शो करवाए जरा। माशाल्लाह, क्या बात है यार। लोगो जी, बहुत आला, माशाल्लाह माशाल्लाह यार, यकीन करें मैं तबीयत फ्रेश हो गई है यहाँ पे, यकीन करें इन कबूतरों को देख के। ये कौन सा है जी आपका? ये भी 20 नंबर है। ये दिखाया हमने? नहीं, 20 नंबर ये नहीं दिखाया, नहीं दिखाए हैं, दो पीस दिखाए हैं। ये दिखाया है, ये एक ना ब्लू और ऑरेंज रिंग वाले हैं। अच्छा, ये भी पेयर है, इसके भी कटे पट्टियाँ हैं, इसमें से भी आपको दिखा देता हूँ। ये समझिए चौथा बेयर है ये। अच्छा, ये चौथा, अब तक का चौथा बेयर है। सबसे पहले वो पिंक रिंग वाले दिखाए हैं जी, जी येलो रिंग वाले दिखा दिए हैं, तो ये 80 नंबर में से दिखाए हैं। ये इसको है 34 नंबर रिंग। ये देखे ना दोस्तों, इनमें 29 है इसको। ये देखे दोस्तों, ये छोटे कुछ कलियों में जो है ना पट्टियाँ पट्टे, ये वो नीचे बैठे हुए, एक पीस इनमें बड़ा जो वो पीछे कॉर्नर में बैठा हुआ है, बाकी ये सब जो है ना छोटी कलियों में हैं बच्चे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, कमाल कर दिया रहमान भाई ने शो करवा के, मज़ा आ गया यकीन कर। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो ये आपके देने वाले कितने टोटल पीस होंगे? ये तकरीबन 50 देने वाले हैं। अच्छा, ठीक है, और बाकी है कि तकरीबन गिने नहीं है, तकरीबन ये 15-20 तो मस्त हैं, 20 पीस होंगे तकरीबन, 20 तो मस्त हैं। सही हो गया। लें दोस्तों, आज के शौक का आपको मज़ा आया होगा। ये कौन सा है जी? करीम भाई, ये कितने नंबर है? ये एक नया पेड़ लगाया था, ये उसकी समझने के पहली पट्टी है, ये पहली पट्टी है। हाँ जी, इसको भी नंबर नहीं दिया था, इसके पाँव में ब्लैक और वाइट कलर का ना टैग डाला था मैंने, नंबर नहीं भी दिया इस पेड़ को, ये उसमें से। सही, और इसकी एक पट्टी मैंने उड़ाई भी है। अच्छा, इस पेड़ में इसी हालत में, इसी हालत फालस फालस
अच्छा ठीक है, तो क्या रिजल्ट मिला? माशाल्लाह करीम भाई बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है उसका माशाल्लाह। उसने माशाल्लाह शौक पूरा किया कि जो लाल आंख का शौक होता है टाइम लिमिट तकरीबन 3 बजे तक 2 बजे तक का टाइम इनका, फिर आगे तरीबा क्रॉस देंगे तो टाइम बिल्कुल लिमिट ज्यादा होती हो जाएगी। ऐसे कहेंगे बाकियों को भी उड़ाया है मगर वो दोस्तों ने उड़ाया जिन्होंने खरीदे हैं, मगर इसे मैंने खुद ट्राई किया। अच्छा माशाल्लाह हर तरफ से मैंने इसके पाँव में ना डबल वाइट और ब्लैक दे भी रिंग है। बाकी ये दोस्तों शौक है जिन्हें मान लीजिएगा लाल आंखों का, आज आपको लाल आंखों का शौक करवाया है और उम्मीद मुझे यही है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा आज की वीडियो का। ये आपको एक रैंडमली एक छोटा सा बच्चा है, ये छोटे से बच्चे की आंख का चेक करें ज़रा, ये अभी मेरे सामने आ गया, बड़ी आँख में शाइन है अभी से। कितनी गली का बच्चा है जी ये? ये है 6 पार का, छः पर का बच्चा है जी ये। और इसकी आँख का डायल और इसकी आँख की चमक चेक करें ज़रा माशाल्लाह, ये देख माशाल्लाह करीम भाई। ये उसी के साथ क्या ना ये जिसका मैंने वो पीली करी वाले, हाँ, पीली करी वाले। माशाल्लाह लेवल हो गया यार, लेवल हो गया भाई, मज़ा आ गया आज के शौक का। और उम्मीद है कि बड़ा मज़ा आया होगा हमारे देखने वालों को भी, तो उम्मीद करते हैं कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।